Dear students, welcome to the classes of Ray Academy, and we are studying the concepts and chapter on partnership, and the chapter is nature and valuation of goodwill, and the concept is average profit method when past adjustments are made. Past adjustment है, कहीं पे loss हो गया, कहीं profit हो गया, कुछ हो गया, abnormal gain loss है, तो उसके साथ adjust करके कैसे निकालेंगे goodwill. The question is, Abhay, Babu and Charu are partners sharing profits and losses equally. The question padho. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of a 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profits for the year ended 31st March were. प्रॉफिट दे रखा है 500 साल का और बोल रहा है कि फोर्थ ईयर में एक कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 25% इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर ईयर भी दे रखा है. Calculate the goodwill after adjusting the above. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ. तो इस केस में हम फॉर्मूला लिखेंगे, goodwill under average profit method is equal to average normal profit for year. मैंने खाली average profit लिखा है, into years purchase. तो इस फॉर्मूला को अगर हम और खोलेंगे, what is average profit for year? That is sum of a 5 years profit. 5 साल का प्रॉफिट बाय टोटल इयर्स मतलब टोटल 5 इयर्स ये 5 साल को नीचे भी लिखो टोटल 5 इयर्स या खाली 5 इयर्स इनटू 4 इयर्स परचेज जितने साल क्वेश्चन का दे रखा है कितने साल का परचेज करेंगे तो अभी क्या करेंगे ना जो प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का उसको ऐड कर देंगे तो ये देखो 500 साल का प्रॉफिट अलग-अलग दे रखा है 150,000 350,000 5 लाख और ये 7,10,000 है मैंने यहाँ पे 7 लाख क्यों लिया है यहाँ पे 10,000 क्यों नहीं दिया मैं आल एक्चुअली न्यू नीचे वर्किंग नोट में बता दूंगा तो अभी वर्किंग नोट बनाना और माइनस लॉस है 5,90,000 5,90,000 को मैंने लॉस लिया है 5,25,000 मैंने कम करके लिया है 5 लाख मतलब मैंने इससे माइनस कर दिया 45,000 और लॉस को माइनस करते हैं देखो माइनस का सिंबल है The loss is deducted. It is a minus symbol of loss. So now you can see this is loss is minus or divided by 5 years into 4 years purchase. So ye kaise aaya? Main pehle goodwill calculate karunga. Then I'll explain you. Ye 7,10,000 ke jagah pe 7 lakh kaise aaya? Ye loss minus karte hain aur 5,000 ke jagah pe ye 5,25,000 kaise aaya? Divided by 5 years into 4 years purchase. So here the answer will be 9,40,000. I'll explain you about this key. Is your profit last 2 years ka. I mean 4th year and 5th year kaise change kiya. So now see working notes. Working notes ke niche. Note 1. Calculation of normal profit for 4th year. 4th saal. Normal profit. For fourth year, चौथ साल, available profit minus interest on non-trading investments, interest on non-trading investments, available profit, जो profit available है, minus interest on non-trading investments, ये जो मैं आपको समझा देता हूँ, जो investment business में करते हैं तो trading investment हो गया, उसके ऊपर interest देते हैं तो minus होता है, but नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमने क्या करा ना एक्स्ट्रा पैसा था बिजनेस में उसको एफडी में लगा दिया डिबेंचर खरीद लिया उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉन ट्रेडिंग वो बिजनेस में लगाया नहीं पैसे बिजनेस का एक्स्ट्रा पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है उसको माइनस करेंगे ये 7,10,000 में इंक्लूडेड है तो 7,10,000 है जो दे रखा है फोर्थ ईयर का प्रॉफिट उससे 10,000 प्रॉफिट माइनस के इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 7 लाख आएगा यही 7 लाख को यहां लिखेंगे दिस इज ऑल अबाउट
लाइकवाइज ये है 5,90,000, इसको भी ठीक करेंगे। तो नोट टू, कैलकुलेशन ऑफ अ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर फिफ्थ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अंदर अबनॉर्मेलिटीज है, ये 5,90,000 है। तो अवेलेबल लॉस, ये प्रॉफिट नहीं है लॉस है, अवेलेबल लॉस प्लस कार परचेज। क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया करके पढ़ो, इसमें दे रखा है एक कार खरीदा, बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल ऑफ द फोर्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, ए कार कॉस्टिंग ₹1,00,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर का गाड़ी खरीद के एसेट में नाम लिख के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से प्रॉफिट से माइनस हो गया, तो इसीलिए ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे या कार परचेज को ऐड करेंगे, वन एंड सेम इंग्लिश, कार परचेज एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कार परचेज किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐड कर दिया तो अवेलेबल लॉस से माइनस हो गया हुआ, उसको ऐड कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। देन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 25% चार्ज करेंगे। क्वेश्चन का आगे वाला लाइन पढ़ो, ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25%। तो जो कार 1,00,000 का है, 1,00,000 का 25% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कार। और जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों साल का, पिछले साल 31 मार्च, इस साल 31 मार्च, वो दोनों साल के प्रॉफिट में ऐड हो गया है। तो आप क्या करोगे ना, दोनों साल के प्रॉफिट से माइनस करोगे। मैंने भी करा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 10,000 माइनस करा है और यहाँ पे भी 10,000 माइनस करा है, ओके फाइन। बट जो कार 1,00,000 जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से ऐड हो गया था, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, अभी फिलहाल ऐड कर देंगे कार का कॉस्ट, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 25% निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 5,25,000। दिस 5,25,000 इज द करेक्ट नॉर्मल लॉस। बिजनेस का अबनॉर्मल लॉस वगैरह जो इंक्लूड था, कार खरीदा था, उसको माइनस करके हम इसको ठीक कर देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया और मैंने अच्छा पढ़ाया तो मेरे वीडियोज को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आराम से पढ़ते रहे, एंड कीप ऑन स्टडी।